Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 2. And question is, in figure, आपको figure दी गई है, जो कि एक right triangle PQR है, right triangle है, Q. Q यहाँ पे क्या है? 90 degree. Find tan P minus cot R. आपको tan P and minus cot R की value बतानी है. तो see किस तरह से हम solve करेंगे? Student, यहाँ पर मैंने ट्रेंगल ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू चाहिए. इसके लिए 10p क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब हम p की बात करेंगे तो p के सामने वाली साइड क्या होगी, qr, ये परपेंडिकुलर होगा. तो 10p क्या हो जाएगा, qr अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, pq. साथ ही cot r क्या होगा, cot r जब हम इसकी बात करेंगे इस वाले ट्रेंगल की, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, cot के सामने वाली साइड pq एक परपेंडिकुलर होगी qr बेस. अच्छा, कॉट होता है क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ये होगा यहाँ पे. तो सिंस यहां पर मैं लिख दूंगा, सिंस 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू आर अपॉन में पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन में पी क्यू, और ये दोनों सेम है, तो आपको यहाँ क्यू आर निकालने की जरूरत नहीं है. नहीं तो आप चाहें तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा. QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी के स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी के 169 माइनस 144 एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी के 5, ये 5 आ जाएगा. आप चाहें तो वैल्यू रख के भी, 5 अपॉन PQ कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 बाय PQ बाय 12, ऐसे भी कर सकते हैं.